हेलो नमस्ते, सब्सक्राइब कीजिए मेडीजी चैनल को रेड कलर के बटन को दबाकर और पास ही बने इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस चैनल के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडीजी। आज मेडीजी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा DIY जिसकी हेल्प से आप अपने घर को आसानी से सजा सकते हैं। तो ये DIY मैं बनाऊँगी ब्यूटीफुल पॉट्स की हेल्प से और इसको हम पेंट करेंगे यूजिंग सम वॉर्ली आर्ट। वॉर्ली आर्ट एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें कि आदिवासी लोग अपने जो स्कल्पचर्स होते हैं या जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इस पेंटिंग में उतारते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके के दो पॉट्स आपको बनाना बताऊँगी। एक बहुत ही सिंपल है, सुपर ईजी आइडिया है और एक है वॉर्ली इंस्पायर्ड आर्ट। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं घर में, हमारे पास इस तरीके के मिट्टी के पॉट्स होते ही हैं। नॉर्मली हम दिवाली में इस तरीके के पॉट्स लेकर आते हैं तो ये सबके घर में आसानी से मिल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। हार्डली 5 से 10 रुपए में आपको एक पॉट आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इस पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक मिट्टी का पॉट और इसको मैंने पानी में अच्छी तरह से धुल लिया था। धुलने के बाद ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर पेंटिंग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे बेस कोट देने के लिए मैंने यहाँ पर बर्जर का एनेमल पेंट इस्तेमाल किया है। इससे हम इसके ऊपर वाइट कोट करेंगे। तो हमेशा जो कोटिंग है, जो बेस कोट है, वो हमें हमेशा वाइट कलर का रखना है। उसके ऊपर हम कोई भी पेंट करेंगे, कोई भी कलर ऊपर से करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खिल के आता है। तो इसीलिए मैं इसको एक ब्रश की सहायता से पूरे ही मटकी को इससे कवर कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा ग्लॉसी लुक होता है, इस वजह से थोड़ा सा चिकना दिखता है, ऊपर से हल्का सा शाइनिंग होती है इसमें। तो इससे जो है नेक्स्ट जो आप ऊपर कलर करेंगे उसमें भी काफ़ी शाइन दिखेगी। तो आप इस तरीके से पूरे ही पॉट को कलर कर लें। आपके पास अगर ये एनिमल पेंट नहीं है तो आप इसकी जगह पर एक्रिलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, एक्रिलिक पेंट में और इस पेंट में क्या डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से ये हाथ में लग जाता है तो आसानी से छूटता नहीं है, तो इसको ध्यान रखिए, इसको केरोसिन ऑयल की हेल्प से आसानी से छुटा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पूरा पेंट कर दिया है। अब मैं आपको दूसरा पॉट बता रही हूँ, इसमें मैंने यूज़ किया है ये एक्रिलिक कलर वाइट कलर का बेस कोट देने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर इस मोटे ब्रश की सहायता से इस एक्रिलिक कलर से इस पॉट को पेंट करने जा रही हूँ। तो चलिए, इसको भी मैंने अच्छे से सुखा लिया है धुलकर और अब मैं इसको पेंट करना शुरू करती हूँ। एक्रिलिक कलर बहुत ही जल्दी सूख जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और जो एनिमल वाला पेंट होता है उसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है उसको सूखने में। तो आप देख सकते हैं ये साथ के साथ ही सूखता चला जाएगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ये सरफेस पे और इसमें कोई शाइनी लुक नहीं होता है। ये नॉर्मल एक बेस कोट दे रही हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, अंदर की तरफ भी हम मटकी को पेंट करेंगे उतना ही पार्ट जितना कि ऊपर से विजिबल है। पूरा अच्छे से पेंट होने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से सुखाना है उसके ऊपर कोटिंग करने से पहले। तो ये देखिए, आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये मैंने कोट किया था एक्रिलिक कलर से और ये जो दूसरा वाला पॉट है ये मैंने उससे कोट किया है एनिमल पेंट से। देखिए आप कितना ज़्यादा शाइनी लुक दे रहा है ये, और जो एक्रिलिक कलर वाला है उसमें कोई शाइन नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर फर्दर जो कोटिंग है वो स्टार्ट करेंगे। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं इसके ऊपर। मैंने जो कलर चूज़ किए हैं वो मैं आपको बता दूँगी। तो
इसके ऊपर पेंटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ मोटा ब्रश और थोड़े से ज़ीरो नंबर वाला ब्रश और एक उससे थोड़ा मोटा वाला। तो इनकी सहायता से हम इसके ऊपर आर्ट ड्रॉ करेंगे। और इसमें जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं वो यूज़ किए हैं एक्रेलिक कलर। तो ये मेरे पास कुछ एक्रेलिक कलर हैं, आप चाहे तो सिंपल एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनके कुछ कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं, जैसे कि दो कलर को मिक्स करके कोई तीसरा कलर फॉर्म कर सकते हैं, अच्छा लाइट शेड या फिर डार्क जैसा भी आपको पसंद आए। तो सबसे पहले जो आइडिया मैं बताने जा रही हूँ वह है सुपर इजी पॉट। जो मैं यहाँ पर कलर करने जा रही हूँ उसका बेस कलर मैं देने जा रही हूँ यहाँ पर, वो मैं देने जा रही हूँ ब्राउन कलर से। तो ब्राउन कलर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक और रेड कलर को मिक्स करूँगी। तो मुझे थोड़ा डार्क ब्राउन बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक पार्ट को थोड़ा ज़्यादा लिया है और रेड पार्ट को थोड़ा कम। अगर आप थोड़ा लाइट ब्राउन बनाना चाहते हैं तो रेड पार्ट थोड़ा ज़्यादा डालिए और ब्लैक बिल्कुल नॉर्मिनल डालिए। तो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ब्लैक कलर, ये देखिए। उसमें पानी को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, पानी को मिक्स करने से इसका जो कलर का जो शाइन है वो चला जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैं सिर्फ इसको ऐसे ही लगा रही हूँ, इसमें कोई मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। इस तरीके से आप पूरी मटकी को अच्छे से पेंट कर लें। ये थोड़ा वुडन कलर दिख रहा है और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है इसके ऊपर। इस तरीके से पूरे ही मटकी को हम कलर करेंगे। देखिए पूरी मटकी कलर हो गई है। अब हमें इसको अच्छे से ड्राई करना है। जब ये ड्राई हो जाएगी तब हम इसके ऊपर फर्दर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है वाइट एक्रेलिक कलर और ज़ीरो नंबर वाला ब्रश और इसकी सहायता से हम ये सुपर इजी पैटर्न ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से डॉट्स रखते जाइए और इसको एक के बाद एक रिपीट करते जाइए। आपके पास अगर ब्रश नहीं है इतना पतला तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आप उससे आसानी से इसको बना सकते हैं। और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसमें बेस कलर, अगर ये ब्राउन नहीं देना चाहते तो कोई भी डार्क कलर आप इसमें कर सकते हैं, जैसे कि डार्क रेड या फिर डार्क ग्रीन, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा, या फिर ब्लू। ये सारे जो डार्क कलर हैं उसके ऊपर ये वाइट कलर बहुत खिल के आता है। इस तरीके से हम डॉट्स रखते जाएंगे और मटकी को इस तरीके से सजा लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं। ये देखिए मैं दूसरा बना रही हूँ बेस पर। बहुत इजी है ये, आराम से घर में बच्चे भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि जिसको पेंटिंग आती हो वही इसको कर सकता है। आप इसको ट्राई कीजिए घर में, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही चीप आइडिया है कि आपको ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगेगी। बहुत सिंपल DIY है। ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है। आप इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं या फिर इसमें सिंपली कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकते हैं। चलिए दूसरे आइडिया को शुरू करते हैं, जो कि है वार्ली आर्ट इंस्पायर्ड। इसके लिए मैंने वही वाइट बेस का पॉट लिया है और इसको मैं कोटिंग दे रही हूँ एक येलो कलर से। सिंपल जो येलो कलर होता है लाइट कलर वाला, वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एक्रेलिक कलर, और इससे मैं पूरे पॉट को येलो बेस से कवर कर दूँगी। इसमें भी हमको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। पानी का यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा लुक नहीं देता है, इसको ध्यान रखना है। पूरे पॉट को येलो कलर से अच्छे से कोट कर लेना है। मेरी बेटी इसमें मेरी बहुत हेल्प कर रही है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उसने ही सारी पेंटिंग की है। ये देखिए पूरा पॉट कलर हो गया है। अब मैंने इसको हाफ इस तरीके से एक पेन से मार्क कर दिया है। अब मैं इसके जो हाफ पार्ट है उसको मैं दूसरे कलर से कलर करूँगी। तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो एक्रेलिक कलर आते हैं मेटेलिक वाले, जिसमें थोड़ी शाइनिंग होती है, मैंने यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया है। और ये एक्वा ग्रीन कलर है,
ये आपको आसानी से मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह पर कोई भी दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप येलो के साथ लाइट ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ बेस को उससे कोट कर सकते हैं, या फिर लाइट ब्लू जो आसानी से आप उसमें हल्का सा वाइट कलर मिक्स करके बना सकते हैं ब्लू में। तो कोई भी शेड जो आपको अच्छा लगे वो अपने मन के हिसाब से आप उससे आधे पॉट को कवर कर दीजिए। ये देखिए मैंने पॉट को हाफ का कलर कर दिया था। अब मैं जो इसका ऊपर का पार्ट है इसमें भी इस तरीके से एक आउटलाइन दे रही हूँ दूसरे कलर की। जो पॉट हम बेस में जो कलर करेंगे उसी से हमें ऊपर की एक इस तरीके से हाईलाइट करना है जो ऊपर का पार्ट है उसको। तो ये मोटे ब्रश की सहायता से मैं कर रही हूँ, और जो अंदर की एजेस हैं वो आप पतले ब्रश से आसानी से कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी अच्छे से इसको कोट कर दें, और अगर थोड़ा बहुत कलर नीचे लग भी जाता है या फैल जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप उसके ऊपर फिर से एक्रेलिक कलर जो येलो बेस है उसको कर देंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखेगा। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम से कम करना है। अगर ज़रूरत लगती है, ब्रश सूखा होता है तभी हमें इसमें पानी अप्लाई करना है, अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और जब भी आप दूसरा कलर अप्लाई करें उससे पहले ब्रश को अच्छे से धुल लें पानी में, और उसको पूरी अच्छी तरह से ड्राई कर लें किसी पुराने कपड़े की सहायता से, और उसके बाद ही दूसरे कलर को यूज़ करें। इससे दूसरे जो बेस कलर है उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये देखिए पटकी तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसके ऊपर वार्ली आर्ट जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेंसिल का इस्तेमाल किया है, और पेंसिल की सहायता से हम इसके ऊपर जो वार्ली पैटर्न्स है वो बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल पैटर्न चूज़ किया है, जो कि इस तरीके की जो लेडीज़ होती हैं जो वहाँ पे डांस करती हैं आदिवासी, उनका मैं यहाँ पर छोटा सा स्केच बना रही हूँ। ये देखिए बहुत सिंपल है। इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाइए और इसी से अटैच करते एक इन्वर्टेड ट्रायंगल इस तरीके से बना दीजिए। इसको नीचे से मिलाते हुए नीचे इसके लेग्स ड्रॉ कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी हम इसमें स्केच बना रहे हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, और पूरे मटके पर हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। इस तरीके से फ्री हैंड ड्राइंग करनी है, कोई इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। आप अंदाज से इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाते जाइए और एक दूसरे से कनेक्ट करते जाइए। ये देखिए सारा पैटर्न ड्रॉ हो गया है। अब हम इसके ऊपर पेंट करना शुरू करेंगे। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर लिया है ब्लैक कलर का, और एक पतला वाला ब्रश लिया है। आप इसके लिए 0 नंबर का ब्रश ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फाइन वर्क है। इसमें अगर सफाई नहीं आएगी तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं इस ब्रश की सहायता से बहुत ही हल्के हाथों से ये जो पैटर्न है इसको एक आउटलाइन देकर इसके अंदर इस ब्लैक कलर को ही फिल कर दूंगी। इसको बहुत ध्यान से करना है, बहुत बारीकी से करना है। ये पॉट्स इतने क्रिएटिव लगते हैं देखने में। आप इसको कहीं पर भी शेल्फ पर रख सकते हैं, इसमें छोटा प्लांट लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो सिंपली ऐसे भी पेन होल्डर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल या डेस्क पे रख के। बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो मेरे पास ये वेस्ट पड़े हुए थे इसलिए मैंने इसको सोचा एक मेकओवर करने का, ताकि मैं इसको इस्तेमाल भी कर सकूँ। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा घर में, बहुत ही सिंपल DIY है।
इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। सिंपल जो एक्रेलिक कलर्स है वो भी बहुत कॉस्टली नहीं मिलते हैं, और एक एक्रेलिक कलर में आपका काफ़ी सारा पेंट होता है तो वो भी पूरा नहीं लगेगा इसमें। तो देखिए इस तरीके से पैटर्न को मैं सारे पैटर्न्स को ड्रॉ कर ले रही हूँ और इसके अंदर ब्लैक कलर को फिल कर दे रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पैटर्न ड्रॉ करना है, नेट पर आपको बहुत सारी आर्ट अवेलेबल है। वॉर्ली आर्ट आप सर्च करेंगे तो आपको और भी पैटर्न्स मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो इस पर बना सकते हैं। मैंने दो कलर से किया है, आप चाहें तो मटकी को एक ही कलर से भी पेंट कर सकते हैं। ये देखिए सारी जो मैंने इस पे जो ड्राइंग बनाई है वो सारी कलर हो गई, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जो ब्लैक कलर है उससे थोड़ा सा जो इसका ऊपर का जो ओपनिंग है उसको भी हाईलाइट कर दूंगी और वहाँ पर भी कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करूँगी तो ये और भी सुंदर लगने लगेगा। देखिए लग रहा है ना सुंदर। अब हम इसके ऊपर एक आउटलाइन दे देंगे इसी ब्लैक एक्रेलिक कलर से। एक्रेलिक कलर को जब भी आप इस्तेमाल करें तो डायरेक्टली पंखे के नीचे ना रखें, उसको बहुत जल्दी सूखता है वो, तो उसको जब भी यूज़ करें तो थोड़ा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे कम हवा आती है तो आप उसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे और वो लॉन्ग टाइम चलेगा भी। तो इन टिप्स को ध्यान रखिए आप जब भी आप पेंटिंग करते हैं, अगर आप बिगनर हैं आपको नहीं पता है। इस तरीके से हम एक मोटा आउटलाइन दे देंगे इसको और इसके ऊपर छोटे छोटे से हम ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से, और इनको भी फिल कर देंगे। ये सारा काम पतले ब्रश से ही करना है। ये देखिए सारे पैटर्न ड्रॉ हो गए हैं। आप चाहें जैसा भी चाहें आउटलाइन के बाद इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, मैंने जैसे किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आइडिया बहुत सिंपल है, इसको मैं फर्दर एक आउटलाइन दे रही हूँ। ब्लैक एक्रेलिक कलर का ही इस्तेमाल किया है, उसके अलावा कोई इसमें अलग से ऊपर स्केच के लिए ड्रॉ नहीं किया है मैंने। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे मटकी पर इसको रिपीट कर लेंगे। आप इस मटकी को तैयार होने के बाद एक फाइनल लुक देने के लिए, जिससे कि ये कलर उतरे नहीं आसानी से, आप इसके ऊपर जो वार्निश आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं। वो जस्ट एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है जिससे कि जो कलर होता है वो छूटता नहीं है। ये देखिए आप इस तरीके से मैंने इसमें पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए फाइनल लुक बिल्कुल तैयार है, और आप इस DIY को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेड इजी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।